वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू बिहार अड्डा ट्वेंटीज मैं शालिनी आपकी साइंस फैकल्टी फिर से स्वागत करती हूँ ग्यारह बजे हमारी जनरल साइंस की क्लास में ठीक है तो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अब एक तो पहली चीज जिस जिसको भी पीडीएफ की दिक्कत हो रही थी बच्चे कल की क्लास की भी पीडीएफ और आज की भी पीडीएफ जो आप लोगों के ऐप पे अवेलेबल होती है वहां भी है और आपके कन्वीनियंस के लिए जहां पे आप चैट कर रहे हैं ना गुड मॉर्निंग मैम कह रहे हैं मोहम्मद इरफान श्रुति संजीव छोटी शर्मा इन सभी लोगों को बता दू कि जहां आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना उसी सेक्शन में सबसे ऊपर मैंने पिन कर दिए दोनों पीडीएफ अपलोड करके वहां भी पिन कर दिए तो ऐप पे पीडीएफ सेक्शन में भी मिल जाएंगे और यहाँ चैट बॉक्स में भी आपको आज की क्लास जो होने वाली है उसकी पीडीएफ और कल की पीडीएफ दोनों पीडीएफ अभी अवेलेबल करवा दिए आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो ठीक है चलो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एकता दीपू नीतू गुड़िया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो हम जो आ गए सो आ गए जो टाइम पे हैं वो बढ़िया हैं और जो नहीं आ पाए हम उनके लिए वेट नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें जो है वो सचिवालय इतना टाइम नहीं दे रहा है कि हम किसी का इंतजार कर सकें तेईस तारीख को हमारा पेपर है तो हमें वो करना है ठीक है चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो कौन सा था वो था आपका मैटर लेकिन लेकिन मैटर शुरू करने से पहले कल हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक रह गया था ठीक है वो मैंने जानबूझ के कल नहीं बताया था वरना आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कंफ्यूज हो जाते हो उसको पूरा कर लेते हैं पांच सात सेकंड लगेंगे पांच सात मिनट लगेंगे रादर और उसके बाद फिर हम उसे आगे बढ़ जाएंगे ठीक है चलिए कल की क्लास में से जो एक टॉपिक आप लोगों का बचा हुआ रह गया था मैम टीचर एग्जाम में कितना पढ़ना है जितना पढ़ा रही हूं वो पढ़ना है बच्चे ये अभी हम बहुत छोटी क्लास का ही पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? बहुत छोटी क्लास का पढ़ रहे हैं जितने भी आपके वन डे एग्जाम्स है ना चाहे आपका कॉन्स्टेबल हो गया टीचर हो गया उन सब में ये आएगा ठीक है अभी तो हमने कोई बहुत ऊपर लेवल का उठाया ही नहीं है चलिए आगे बात करते हैं तो कल हम लोगों ने क्या किया था कल हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स परमाणु अणु के बारे में बात की थी और हमने देख लिया था उसके अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं आपके वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ठीक है अब इन्हीं एटम्स की कुछ साइंटिस्ट ने आके मॉडल दिए थे इन एटम्स के क्या हुआ था मैम एक प्रॉब्लम है हमको हेल्प मी हाँ आकिब जावेद बोलो क्या प्रॉब्लम है जल्दी बोलो फिर हम स्टार्ट करेंगे जल्दी बोलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं तब तक मैं लिखती हूँ ठीक है तो सबसे पहले सबसे पहले जब जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की और उन्होंने दुनिया को बताया कि एक एटम के अंदर एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन नाम का भी एक, एक सब एटॉमिक पार्टिकल पाया जाता है तो वीडियो नहीं है विभा, पुरानी वीडियो अब भी नहीं दिख रही अब तो मैंने टीम को भी बता दिया अभी की मैम मैम यूट्यूब पे मैसेज करते हैं तो टीचर को मैसेज शो नहीं होता है आ, आके भी एक बार अपनी ईमेल आईडी बता दो बेटा मैं बात कर लूंगी टीम से ईमेल आईडी बता दीजिए अपनी जल्दी से बताओ फिर मैं आगे की क्लास चालू करूंगी आके जल्दी से अपनी ईमेल आईडी बता दो एक सेकंड रुक जाइएगा मैं इसे नोट कर लू और किसी को भी कोई प्रॉब्लम है वीडियो किसको नहीं दिखती है बेटा पीडीएफ तो सारी अपलोडेड है पीडीएफ सारी अपलोडेड है आकिब जावेद एट्टी सेवन एट द रेट जी मेल दो तीन क्लासेस नहीं दिखती है कृष्णाकांत अपनी आईडी बताओ जिसको भी प्रॉब्लम है अपनी आईडी बता दीजिए कुमारी बिंजू नाइनटीन नाइंटी सेवन एट द रेट जीमेल डॉट कॉम झा पुनीता फाइव वन थ्री एट द रेट जीमेल डॉट कॉम कृष्णकान्त कुमार अमरेंद्र जीरो सैवन आई टी अमरेंद्र जीरो सैवन आई टी एट द रेट जीमेल डॉट कॉम ममता सी यू टी आशीष वी सिक्सटी एट द रेट जी मे चलिए आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैं लास्ट में पूछ लूंगी जो भी बात होगी फिर लास्ट में बता दीजिएगा चलो चलिए देखिए अब तो कल हमने मैटर की बात की थी और हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे जे थॉम्सन अब थोड़ी देर बात बात करेंगे सबकी आईडी मैंने नोट कर है बेटा मैंने फोटो ले ली जिसकी मैंने नहीं बोली ना उसकी मैंने फोटो खींच ली चलिए जल्दी से देखिए तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे और उन साइंटिस्ट का नाम क्या था उन साइंटिस्ट का नाम था जे जे जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज करके हमें दी और बताया कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है तो लोगों ने पूछा कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है तुम तो कह रहे हो पहली बातों हमें ये पता है कि एटम अविभाजनीय है इसको विभाजित नहीं किया जा सकता ये अनब्रेकेबल है अनडिविजिबल है और नहीं तोड़ सकते तो जब ये टूट ही नहीं सकता ये सबसे छोटी इकाई है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है तो उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है उन्होंने बताया कि मान लीजिए ये आपका एक एटम है इस एटम के अंदर कहीं पे भी रैंडमली कहीं पे भी बिखरे हुए आपके इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं यानी कि इनकी कोई निश्चित स्थान नहीं है J. J. नाम के के साइंटिस्ट अकॉर्डिंग जे जे थॉम्सन ने हमें मॉडल दिया था उस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स का कोई निश्चित स्थान नहीं है कोई निश्चित स्थान नहीं है यानी कि ये पूरे एटम के अंदर कहा क्या है जगह जगह पे फैले हुए हैं जगह जगह पे क्या है फैले हुए हैं ठीक है अब उनसे पूछा गया कि ठीक है अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जगह जगह पे फैले हुए हैं तो सभी एटम नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए है ना इनके ऊपर क्या होना चाहिए ये सभी नेगेटिवली चार्ज होने चाहिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए आवेश होना चाहिए तो उन्होंने बताया कि नहीं ये जो हिस्सा है ये तो नेगेटिव है इसके अलावा आपको जितनी भी जगह दिख रही है इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स के अलावा आपको जितनी भी जगह दिखाई दे रही है वो सारी ये जो मैं पीले रंग से बना रही हूँ ये सारी जो पीली जगह है ये सब क्या है ये सब पॉजिटिवली चार्ज है ये जो पीली वाली में जगह बना रही हूँ ये पूरी पीली जगह क्या थी ये पॉजिटिवली चार्ज थी जब लोगों को तब भी नहीं समझ में आया तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका केक का इसे वाटरमेलन मॉडल बोला जाता है इसे हम क्या बोल देते हैं तरबूज जैसा बोल देते हैं पर उन्होंने उन्होंने जो हमें एग्जाम्पल दिया था वो उन्होंने दिया था केक पुडिंग का वो उन्होंने दिया था किसका केक पुडिंग का अगर आप लोगों ने कभी मार्केट में से फ्रूट के केक आता है वो खरीद के हो तो आप देखेंगे एक ब्रेड जैसी आती है है ना एक ब्रेड के टुकड़े होते हैं और उसमें क्या होता है ये ब्रेड होती है पूरी और इस ब्रेड के अंदर अगर आप देखोगे तो इस ब्रेड के अंदर बीच बीच में कहीं कहीं पे चेरी लगी हुई होती है इस ब्रेड के अंदर कहीं कहीं पे क्या होती है चेरी सी डली हुई होती है तो उन्होंने कहा इसको बोला जाता है पुडिंग इसको आप क्या कहते हैं इसको कहा जाता है पुडिंग केक इसको कहा जाता है पुडिंग केक तो उन्होंने बताया था कि एक जो एटम है वो पुडिंग केक जैसा है जिसमें चेरी कहीं भी होती है ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा कहीं पे भी पाया जाएगा फिर जब इसे भारत में समझा गया तो हमारी एनसीआरटी ने केक पुडिंग क्योंकि नहीं समझ में आएगा ये केक पेक तो ये ब्रेड ब्रेड अब आई मार्केट में पहले के बच्चों को कैसे समझाते इसीलिए हमारी एन ने इस केक पुडिंग का नाम हटा के इसको कंपेयर किया किससे वॉटर मेलन से यानी कि तरबूज से इस मॉडल को कंपेयर किया गया किससे मेलन से यानी कि तरबूज से और तब बताया गया कि जैसा हमारा तरबूज होता है ना सेम तरबूज जैसा जे जे थॉम्सन का ये मॉडल था जिसमें आप देख सकते हैं ये पीला वाला हिस्सा इसको अब मैं कर देती हूं लाल तो जितना भी आपको तरबूज के अंदर का ये लाल वाला हिस्सा दिखाई देता है जितना भी आपको तरबूज के अंदर का ये लाल वाला हिस्सा दिखाई देता है ये तो सारा क्या हो गया ये सारा हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज और तरबूज में क्या होते हैं आपको बीज दिखाई देते हैं काले काले वो सारे बीज क्या हैं वो सारे बीज हो गए आपका इलेक्ट्रॉन्स वो सारे बीज आपके किसको दर्शा रहे हैं वो दर्शा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को और इस तरीके से फिर जे जे थॉम्पसन ने क्या किया था एटम्स का ये मॉडल दिया था तो अगर आपसे पूछा जाए कि वॉटर मॉडल किसने दिया है या केक पुडिंग मॉडल किसने दिया है तो आप क्या बता देंगे जे जे थॉम्सन ने और उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एटम एक बड़ा सा गोला है एक गोला एक गोला है उस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी उपस्थित हो सकते हैं उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है ये बात जे जे थॉम्सन ने बोली ही थी कि हमारे पास फिर एक अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड रदरफोर्ड के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था रदरफोर्ड ने क्या बोला रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया अच्छा आप लोगों को एक बात बता दू रदरफोर्ड का ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है जिन्होंने एटम का ये मॉडल दिया था पर असली बात यह है कि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट खुद से किया ही नहीं था रदरफोर्ड अपने टाइम के बहुत ही अमीर साइंटिस्ट हुआ करते थे उनकी कई सारी कंपनीज और फैक्ट्रीज भी चलती थी और उनकी कई सारी लैब्स भी थी जहां पे उनके इंटर्न्स काम करते थे यानी कि उनके नीचे कुछ बच्चे सीखने आते थे उन बच्चों के ग्रुप ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने फिर रदर को बताया देखो मैं एज अ स्टूडेंट अगर कुछ भी खोज करती हूं तो मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मैं हमेशा अपने मेंटोर या टीचर के पास जाऊंगी कि सर या मैम देखो मैंने ऐसा ऐसा किया है ये सही है या गलत है मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है यही उन बच्चों के साथ भी हुआ उन बच्चों ने जाके रदर को बताया और रदरफोर्ड को वो बात सही लगी और उन्होंने उसको फिर अपने नाम पे आगे प्रस्तुत किया था तो असलियत में ये खोज हम रदरफोर्ड के नाम पे ही पढ़ेंगे बट उन्होंने ये की नहीं थी उन्होंने किया क्या था देखो उनके बच्चों ने क्या किया उन्होंने ली एक गोल्ड की फॉइल एक सोने की परत जैसा आप देखते होंगे ना आजकल रोटी लपेटने के लिए वो चांदी की चमकीली पन्नी आती है सिल्वर फॉइल आती है ऐसे ही इन्होंने ली थी क्या गोल्ड की फॉइल ली थी और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर यहां पे इन्होंने एक सोर्स रखा और उसके अंदर से इन्होंने यहां पे क्या रखा यहां पे इन्होंने एक सोर्स रखा और इसके अंदर से निकाली क्या बहुत सारी अल्फा रेज इसके अंदर से निकली क्या बहुत सारी अल्फा रेज अल्फा रेज की खासियत क्या होती है ये धनात्मक होती है यानी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कितना चार्ज होता है इनके पास प्लस टू चार्ज होता है कुल मिला जुला के बात ये याद रखनी है कि ये जो अल्फा किरणें होती हैं ये कैसी होती हैं ये धनात्मक होती है ये पॉजिटिव चार्ज होती हैं। अब ये जितनी भी रेज थी जितनी भी ये किरणें थी ये सारी किरणें पास करवाई गई किससे ये सारी किरणें पास करवाई गई इस गोल्ड की फॉइल से और मैंने आपको बताया हर पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से बना हुआ है छोटे छोटे एटम से बना हुआ है ये गोल्ड भी छोटे एटम से ही बना हुआ था और इस गोल्ड के अंदर से क्या हुआ जब इसमें से अल्फा रेज पास करवाई गई तो हमने देखा कि कुछ अल्फा रेज तो ऐसी थी बल्कि कुछ नहीं बहुत सारी अल्फा रेज ऐसी थी जो यहां से निकली और इस एटम से सीधे सीधे निकल के पार हो गई जो कि सोर्स में से निकली और यहां से निकल के क्या हुई सीधे सीधे पार हो गई ठीक है ज्यादातर तो इसी तरीके से पार हो गई थी कुछ रेज ऐसी थी कुछ रेज ऐसी थी जो बीच में से गई और वापस लौट के आ गई यहां पे गई इस रास्ते गई और इसी रास्ते क्या हो गई वो लौट के वापस भी आ गई ठीक है ये टकरा के क्या हो गई वापस आ गई और थोड़ी सी रेज ऐसी थी थोड़ी सी रेडिएशन ऐसी थी जो कि क्या हुई यहां से निकल के गई और अपना रास्ता भटक के कहीं इधर उधर मुड़ गई अपना रास्ता भटक के कहीं इधर उधर मुड़ गए इस तरीके की जब रेडिएशन उन्हें दिखाई दी तो उन्हें एक चीज पता थी कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं दे रिपल ईच अदर और जबकि या फिर नेगेटिव नेगेटिव भी क्या होते हैं एक दूसरे से दूर भागते हैं ठीक है ये आजकल की दुनिया की तरह हो गए हैं अगर मैं आप लोगों से कहूँ पहले के जमाने में होता था लड़कों की दोस्ती लड़कों में बहुत होती थी लड़कियों की दोस्ती लड़कियों में खूब होती थी लेकिन आजकल आप देखोगे आजकल उल्टा है मैं नॉर्मल फ्रेंडशिप की ही बात कर रही हूँ आजकल जो बेस्ट फ्रेंड वाला ट्रेंड चला हुआ है उसमें एक लड़का और लड़की ज्यादा बेस्ट फ्रेंड अच्छे साबित हो रहे हैं तो यानी कि लड़के लड़के एक दूसरे से क्या कर रहे हैं दूर भाग रहे हैं लड़की लड़की एक दूसरे से दूर भाग रही है लेकिन ये लड़के और लड़की आपस में ज्यादा अच्छा रिश्ता बना पा रहे हैं ज्यादा अच्छी दोस्ती निभा पा रहे हैं इसी चीज को हमारे एटम्स के अंदर भी देखा गया अब यहां देखा गया कि क्योंकि ये अल्फा रेज पॉजिटिव है और यहां से ये यह जो रेज यहाँ गई और ये लौट के वापस आ गई यानी कि इससे दूर भाग के भाग भाग के गई देखा अरे ये तो मेरी कैटेगरी का है और वापस आ गई और क्या हो गया वापस आ गई तो मुझे पता लगा कि इसका मतलब यहां और यहाँ क्या है सेम चार्ज है कि यहाँ सेंटर में क्या बैठा हुआ है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों था क्योंकि मुझे पता है कल की क्लास की वजह से कि सेंटर में न्यूक्लियस में केंद्रक में क्या पाए जाते हैं केंद्रक में पाए जाते हैं बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक में क्या पाए जाते हैं बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अब ये जो ये जो सफेद रंग की किरणें हैं जो बाहर चली गई जो सीधे बाहर चली गई ना तो ये अट्रैक्ट हुई ना ये रिपल हुई इसका मतलब क्या था कि जो अणु परमाणु का मैक्सिमम एरिया है मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम एरिया ऑफ एटम इज एम्प्टी। एक परमाणु का जो बहुत सारा स्थान है वो क्या होता है वो खाली होता है वहां पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है अब कुछ ऐसे थे जो कि क्या हो गए थे अपना रास्ता भटक गए थे क्यों भटक गए थे क्योंकि यहां पे रिवॉल्व कर रहे थे आपके इलेक्ट्रॉन्स यहां क्या घूम रहे थे आपके इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे थे तो जैसे ही इन्हें इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दिए ये रेज सीधी सीधी जा रही थी अच्छा खासा ये सीधी सीधी जा रही थी ये सीधी निकल भी जाती लेकिन जैसे ही इसे इलेक्ट्रॉन दिखाई इधर की तरफ क्या हो गई ये इधर की तरफ मुड़ गई ये इधर की तरफ क्या हो गई ये मुड़ गई तो कहने का मतलब क्या था कि रदरफोर्ड ने फिर हमें क्या बताया रदरफोर्ड ने देखो यहाँ लिखा हुआ है यहीं से देख लेते हैं। देखिए, इस तरीके से रदरफोर्ड ने कुछ क्या किया था रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों ने रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों ने और दो जो मेन विद्यार्थी थे उनका नाम भी लिखा हुआ है हेन्सिगर और अर्नेस्ट मार्क्सन थे इन्होंने 1911 में एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया यानी कि अल्फा किरण प्रकरण प्रयोग किया और उसमें उन्होंने कुछ चीजें पता लगाई वहां से उन्हें क्या पता लगा कि किसी भी एटम के सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस होता है जो कि ज्यादातर क्या है पॉजिटिवली चार्ज है जिसपे धनावेश होता है क्योंकि वहां क्या पाए जाते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं फिर उन्होंने बताया कि बहुत सारी जगह क्या है उसकी खाली है एटम की और उसी एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि लगातार क्या कर रहे हैं एक फिक्स्ड पाथ पे एक निश्चित रास्ते पे लगातार घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं ठीक है ये कुछ बात हमें किसने बताई थी जे जे थॉम्सन ने बताई थी जल्दी से मुझे अरे रदर फोर्ड ने बताई थी जल्दी से मुझे बताओ रदर फोर्ड की बात आप लोगों को क्लियर हो गई है तो मैं आगे बताऊं रदरफोर्ड की बात क्लियर है तो कुल मिला जुला के रदरफोर्ड का कहना क्या था रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग एक एटम जो होता है उसका बहुत सारा एरिया खाली है बीच में उसके क्या है बीच में उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो रहे हैं ये लगातार इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं घूम रहे हैं अब जैसे ही रदर ने ये बात बताई जैसे ही रदर ने ये बात बताई तो आपके तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नील बोर नील बोर इन्होंने बहुत प्यार से रदर को बुलाया और एक सवाल पूछा इन्होंने बहुत प्यार से रदर से रदर रधर्थ को बुलाया और एक सवाल पूछा कि एक बात बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन्स लगातार गोल गोल घूम रहे हैं ये लगातार इसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं तो कहते हैं चलो अपन भी एक गेम खेलते हैं हम दोनों भी एक गेम खेलते हैं मैं नील बोर बनूंगा नाभिक यानी कि न्यूक्लियस और तुम रदरफोर्ड बनना इलेक्ट्रॉन और बस इस गेम में करना क्या है मैं तो न्यूक्लियस बनकर एक जगह खड़ा रहूंगा और तुम इलेक्ट्रॉन बन के क्या करो मेरे चारों तरफ गोल 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 चक्कर लगाते रहो रदरफोर्ड ने पूछा कब तक तो, कितने चक्कर लगाने हैं तुम्हारे चारों तरफ तो नील बोर ने बोला तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कितने चक्कर लगा रहा है तो बोले इलेक्ट्रॉन से क्या करना इलेक्ट्रॉन तो घूमता ही रहता है अनंत समय तक घूमता रहता है तो नील बोर ने कहा ठीक है तुम भी ऐसे ही घूमते रहो मेरे चारों तरफ नील बोर ने क्या कहा तुम भी मेरे चारों तरफ घूमते रहो तो रदर फोर्ड ने मना कर दिया बोले पागल हो गया सठी आ गए दिमाग खराब हो गया अगर मैं तुम्हारे चारों तरफ गोल गोल घूमता रहूंगा घूमता रहूंगा तो मुझे तो थोड़ी देर में चक्कर आ जाएगा और मैं गिर जाऊंगा तो उन्होंने कहा तो बेटा इलेक्ट्रॉन के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम यही होगा अगर इस इलेक्ट्रॉन को तुम कहोगे न्यूक्लियस के चक्कर लगाते रहो लगाते रहो तो ये न्यूक्लियस भी चकरा के क्या होगा इसी न्यूक्लियस की गोदी में आके गिर जाएगा ठीक है तो यानी कि इसी बात को उन्होंने फिर साइंटिफिकली उन्होंने कहा अगर तुम्हें ये बात समझ में आई हो तो देखो अब मैं तुम्हें साइंटिफिकली बताता हूं क्या होगा बीच में न्यूक्लियस है तुम कह रहे हो चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तुम कह रहे हो चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बीच में ये बना दिया हमने न्यूक्लियस और तुम्हारा कहना है कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार इसके चारों तरफ क्या कर रहा है घूम रहा है तो उन्होंने बताया कि जैसा हमारे साथ होता है ना जैसा हमारे साथ होता है सेम वैसा ही इस इलेक्ट्रॉन के साथ होगा शुरू शुरू में जब मैं हम भागेंगे आपने पार्क के भी चक्कर देखे होंगे अगर आप पार्क का एक बड़ा सा चक्कर लगाओगे ना एक चक्कर लगाने के बाद थक जाते हैं हम थक जाते हैं फिर हम क्या करेंगे थोड़ा सा छोटा चक्कर लगाएंगे हो या नहीं होगा जब थक जाएंगे तो हम सोचेंगे चल अब के बाद एक चक्कर और लगाते थे थोड़ा सा और छोटा लगा लेते हैं फिर थक जाओगे और छोटा चक्कर लगाओगे तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होती जा रही है तुम्हारी तो भाग भाग के कम होती जा रही है और जब भाग भाग के एनर्जी कम हो रही है तो चक्कर भी छोटा होता जा रहा है सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ होती है जब ये गोल चक्कर लगाएगा ना तो इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी इसके अंदर से क्या निकलेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं। और जब विद्युत चुंबकीय तरंगे एनर्जी के फॉर्म में ऊर्जा के फॉर्म में बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और वो अगला चक्कर कैसा लगाएगा फिर छोटा लगाएगा जब एक चक्कर लगा के आएगा तो फिर थोड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेंगी फिर उसकी एनर्जी कम हो जाएगी वो फिर एक चक्कर लगा के आएगा फिर थक जाएगा और कुल मिला जुला के वो आके गिर जाएगा कहा न्यूक्लियस के अंदर और यहाँ क्या हो जाएगा ब्लास्ट यानी कि आपका एटम की स्टेबिलिटी उसकी स्थिरता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी ठीक है अब इसी बात को तो ये बात रदरफोर्ड के समझ में आई तो उसने बोला तो फिर अब किया क्या जाए नील बोर ने कहा किया ये जाए कि अब तुम्हारी बात तो होती है खारिज अब तुम सुनो मेरी बात नील बोर ने क्या कहा उसने कहा तुम्हारी बात तो खारिज हो गई अब मैं पढ़ाता हूं तुम्हें अब तुम बेटे बनोगे मैं पापा बनूंगा और तुम सुनो मेरी बात उन्होंने कहा कि देखो होता क्या है बीच में तुमने ये बात बिल्कुल सही कही कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बना रहे हैं न्यूक्लियस बना रहे हैं तुम्हारी ये बात भी सही है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेगा और ये जो घूमेगा ना ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा ये एक निश्चित पाथ पे घूमेगा और हर ऑर्बिट के पास हर ऑर्बिट के पास अपनी खुद की एनर्जी होगी अपनी खुद की क्या होगी अपनी खुद की एनर्जी होगी अपनी खुद की ऊर्जा होगी उससे फायदा क्या होगा देखो इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी है और ये जो ऑर्बिट मैंने पाथ बनाया है इसके पास भी एनर्जी है ठीक है इसके पास भी एनर्जी है तो होगा क्या ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बड़ा सा चक्कर काट के आएगा और इसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंग निकल जाएंगी इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी कम जैसे ही ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये जो रास्ता है ना ये रास्ता कहेगा रुको 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 कहीं जाओ मत मेरे पास भी एनर्जी है अगर तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई है तो मेरे पास भी एनर्जी है तुम मेरे से ले लो कहने का मतलब क्या था कि जिस पार्क का बड़ा सा चक्कर लगा रहे थे अगर उसी पार्क के बड़े से चक्कर पे कोई भर भर के ग्लूकोज की बोतल रख दे तो आपको आसानी हो जाएगी आप भाग के गए एक ग्लूकोज की बोतल उठाई एनर्जी आ गई फिर चक्कर लगा लो फिर चक्कर लगाओगे थक गए फिर दूसरी बोतल उठाओ ग्लूकोज की पियो उसे अगला फिर बड़ा सा चक्कर लगा लो बात समझ में आ रही है बहुत ही इजी से एग्जांपल दे रही हूं बात समझ में आ रही है वीडियो दीपू को वीडियो नहीं दिखाई दे रहा और किसी को भी वीडियो की प्रॉब्लम आ रही है क्या ठीक है चलिए क्लियर है वीडियो तो आप जिसको वीडियो की प्रॉब्लम आ रही है वो एक बार एग्जिट करके क्लास लीव करके दोबारा रिज्वाइन कर लो ठीक है दीपू कर लो। तो यानी कि अब क्योंकि इस ऑर्बिट के पास इस रास्ते के पास अपनी खुद की एनर्जी थी इसीलिए अब इसे ऑर्बिट ना कहके नील बोर ने इसे नाम दिया एनर्जी शेल नील बोर ने इसे क्या नाम दिया नील बोर ने इसे नाम दिया एनर्जी शेल और हर एनर्जी शेल को एक एक नाम दे दिया गया क्या क्या नाम दिया गया हर एनर्जी शेल को एक एक नाम दे दिया गया और उन्होंने नाम दिया के एल एम और एक एन ठीक है ये कितनी भी हो सकती है मैं चार ही बना रही हूं ये कितनी भी हो सकती है इस तरीके से ये शेल्स बनाई गई ठीक है अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि कितनी भी अब मैंने अगर ये कहा कि मैंने पार्क के उस बड़े से रास्ते पे ग्लूकोज की बोतल रख ली है भागो और उठा के बोतल पीते जाओ तो ऐसा थोड़ी है कि कितने ही लोग पी जाओ भाई लिमिटेड बोतल ही तो होंगी उस रास्ते पे मैं लिमिटेड बोतल ही तो रख सकती हूँ ऐसा थोड़ी है कि कितने ही लोग पूरी भीड़ भगे चली जा रही है पूरा गांव का गांव जिले का जिला उसी पे ही भाग रहा है भाई ऐसा नहीं हो सकता दो लोग चार लोग भाग लो तभी काम चलेगा है ना तो ये क्या हुआ तो ये उन्होंने नाम दिया और उन्होंने बताया कि हर ऑर्बिट के अंदर हर एनर्जी शेल के अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही भाग सकते हैं फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा सकते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया टू एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर जहां पे एल क्या है एल है शेल नंबर एनर्जी शेल नंबर यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि के ऑर्बिट ये जो सबसे पहला वाला ऑर्बिट है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं तो के शेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं टू लिख दो फॉर्मूले के हिसाब से शेल कौन सी है पहली दूसरी तीसरी चौथी इस आधार पे के शेल क्या हो गई आपकी पहली शेल हो गई तो यहां एन की जगह पे वन लिख दो इसका स्क्वायर कर दो क्या आ गया टू इलेक्ट्रॉन्स तो पहली शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा सकते हैं दो ठीक है अगले आ जाओ एल शेल के ऊपर एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स लगा सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से पहले लिखो टू ये कौन सी शेल है पहली दूसरी दूसरी का मतलब क्या है यहां लिख देंगे टू टू का स्क्वायर करोगे टू टू जा फोर फोर टू एट आठ इलेक्ट्रॉन यानी कि इस वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं आठ इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं ठीक है उसके बाद तीसरी अगर एम शेल पे आते हो एम शेल के अंदर कितने घूम सकते हैं टू शेल की संख्या गिन लो एक दो तीन थ्री का कर स्क्वायर करेंगे थ्री थ्री से नाइन नाइन टू से एटीन अट्ठारह इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं अगली आ जाओ एन शेल पे टू फोर का स्क्वायर फोर फोर जो सिक्सटीन सिक्सटीन टू जो बत्तीस बत्तीस इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं हालांकि एक एटम को स्टेबल रहने के लिए उसकी कोई भी शेल लास्ट आखिरी की जो शेल होगी उसमें केवल आठ ही रहेंगे ठीक है तो इस तरीके से जो आपके नील बोर थे उन्होंने ये सारी बातें बता दी थी तो देखिए नील बोर ने क्या कहा नील बोर ने इस तरीके से नाम दिया टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी आप खुद से रीड करेंगे बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करेंगे एक फिक्सड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे और प्रत्येक कक्षा की अपनी खुद की एक ऊर्जा होगी और अतः उसे ऊर्जा स्तर कहा जाएगा अतः उसे क्या कहा जाएगा ऊर्जा स्तर पीडीएफ क्लियर नहीं दिख रहा है अच्छा ठीक है मैं ब्राइटनेस कम करवा देती हूं थोड़ी सी क्या डाउट है आपका एक बार पूछ लीजिए दोबारा से क्या डाउट है क्या क्लियर नहीं हुआ ठीक है तो फाइनली उन्होंने क्या क्या उन्होंने बताया जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में ही घूमेंगे और हर कक्षा के पास अपनी खुद की ऊर्जा होगी इसीलिए अब हम उन्हें कक्ष या कक्षा ना कहके अब हम उन्हें ऊर्जा स्तर कहेंगे और हर ऊर्जा स्तर का उन्होंने अपना एक नाम दे दिया और वो नाम क्या दिया के एल एम एन जल्दी से बताओ अभी पीडीएफ क्लियर है पीडीएफ क्लियर है जिस जिसको को क्लियर है हैंड रेस करके भी बता दो तो भी पता लग जाएगा चलिए ठीक है ओके डन आगे बढ़ते हैं तो ये उन्होंने क्या किया हर कक्षा को हर ऑर्बिट को नाम दे दिया के एल एम एन एग्जाम्पल है ये एल एम एन नो पी क्यू आर आगे तक भी हो सकती है इतना नहीं आप लोग क्या क्या डाउट रहता है ठीक है चलिए आगे देखो फिर उन्होंने बताया कि प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो टू एन स्क्वायर जहां पे एन क्या है कक्षा की संख्या और इस तरीके से हमने क्या किए निकाल दिए ठीक है एसपीडीएफ मतलब वो सबसेल होती हैं एसपीडीएफ जो है हालांकि वो अभी आपके कोर्स में यहां पे नहीं है जो आप एसपीडीएफ कह रहे हैं वो सबशेल्स हैं हर शेल के अंदर फिर एसपीडीएफ होती है ठीक है Z के बाद A1, A2 टू हालांकि इतना बड़ा कोई एटम है नहीं शितेज कि हमें अभी Z के पार जाना पड़े चलिए तो क्या आप लोगों को यहां से ये दिखाई दे रहा है कि पहली वाली K शेल के पास कम इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर दो ही इलेक्ट्रॉन है तो इसे दो ही बोतल एनर्जी चाहिए अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो इसे दो ही बोतल एनर्जी चाहिए अगले वाले के पास आठ इलेक्ट्रॉन है इसे आठ बोतल एनर्जी चाहिए होगी इसे 18 बोतल चाहिए होगी इसे उसके बाद बत्तीस बोतल चाहिए होगी ठीक है क्यों हुआ तो इसका जवाब तो यही हो सकता है कि आपके मम्मी पापा ने प्रदीप नाम क्यों रखा पूजा नाम क्यों रखा इनका तो कोई मतलब ही नहीं है नाम तो कोई कुछ भी रख देता है ठीक है नाम किसी भी रीजन पे रख देते हैं चलिए तो क्या हुआ देखो तो यहां से क्या मैं इस बात को कह सकती हूं कि कोई भी कि कोई भी शेल जितनी न्यूक्लियस के पास में होगी जितनी न्यूक्लियस के पास में होगी उसके पास एनर्जी ऊर्जा उतनी ही कम होगी और जितना हम न्यूक्लियस से आगे बढ़ते चले जाएंगे एनर्जी उतनी क्या होती जाएगी बढ़ती चली जाएगी ऊर्जा उतनी अधिक होती चली जाएगी ठीक है तो जितना शेल ये कक्ष जितनी उसके पास में होगी उतनी एनर्जी कम होगी जितना आप दूर जाएंगे उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी तो नाभिक के सबसे निकट कक्षा की ऊर्जा न्यूनतम होगी और सबसे अधिक दूरी वाली कक्षा की ऊर्जा अधिकतम होगी ठीक है और आउटर मोस्ट शेल में सबसे बाह्य कक्षा में हमेशा क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आठ होंगे इसका इस्तेमाल हम पीरियोडिक टेबल में करेंगे और इसको तभी आपको समझाया भी जाएगा जब हम आवर्त सारणी करेंगे ठीक है जो चीज जहां पढ़ने की होती है उसे हम वही पढ़ेंगे क्योंकि दिक्कत यही आती है कि टीचर्स अपनी नॉलेज दिखाने के लिए सब वही बता देते हैं और बच्चों के लिए सब गड़बड़ हो जाती है ठीक है यहां तक क्लियर है तो ये आपका जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर था ये खत्म हुआ फिनिश हुआ कल की क्लास से और आज की क्लास से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लो नहीं तो फिर हम मैटर शुरू करेंगे मैटर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए नहीं तो विल स्टार्ट मैटर चलिए बहुत बढ़िया वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा राजीव जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उतनी शेल बढ़ती जाएगी नहीं परवेज सबसे इलेवेंथ और ट्वेल्थ का टॉपिक है इलेवेंथ ट्वेल्थ हमारे कोर्स से बाहर है ठीक है बायो बेटा बायो इसलिए ये एक दो बच्चों ने और भी बोला है नेहा बायो के लिए दिक्कत मत लो बायो की जो क्लास है ना वो आपकी यूट्यूब पे ऑलरेडी चल रही है ठीक है तो आप लोगों की सहूलियत के लिए ही ये डिसीजन लिया गया है कि बायो तो यूट्यूब पे चल ही रही है आप उसको वहां से थोड़ा थोड़ा कवर करते रहो और यहाँ केमिस्ट्री करते रहो ताकि तेईस तारीख को जो एग्जाम आए उसके लिए आप जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस खत्म कर लो यहां भी होगी पर यहां पे पहले केमिस्ट्री फिनिश करवाऊंगी उसके बाद उसे करवाऊंगी ठीक है वाईटी पे मैं दिखा देती हूं ये रहा आपका यूट्यूब ठीक है यहां लिख दीजिएगा बिहार अड्डा साइन या बिहार अड्डा शालिनी लिख दो बिहार अड्डा शालिनी मैम ठीक है ये रही। ये सारी क्लासेस है ठीक है यूट्यूब पे छह बजे छे बजे अमित कौन कह रहे हैं छे बजे देखो इसको बाद में ही तो एक घंटे की पचास मिनट की क्लास होती है आप इसको टू एक्स पे करके वन पॉइंट फाइव एक्स पे करके आधे घंटे में देख लो भाई आधे घंटे का भी टाइम नहीं है तो क्या कर सकते हैं फिर पेपर ही मत दो क्योंकि पेपर देने जाने का भी टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास फिर तो तुम्हारे पास पेपर देने जाने का भी टाइम नहीं होगा गेरी ठीक है ये आपकी बायो की क्लास तो अभी फिलहाल यहां से पढ़ो फिर से क्लियर कर रही हूं इस बैच में भी बायो होगी केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी ही होगी इस बैच में भी नोट कर लीजिए इस बैच में भी बायो होगी केमिस्ट्री खत्म होते ही बायो शुरू करवा दूंगी पहले बायो इसलिए नहीं करवाई कि आपका समय बचाने के लिए मैं चाहती थी यहां केमिस्ट्री करते रहो और यहां बायो करते रहो ठीक है चलिए वापस आते अपने मैटर पे चलो सारे अड्डा कर टीचर चलिए आगे देखिए अब हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करना है नेक्स्ट है क्या आपका मैटर नेक्स्ट क्या है आपका मैटर, मैटर। यानी कि द्रव्य द्रव्य या पदार्थ भी कह सकते हो ठीक है चलो जल्दी इसे देखो अब मैटर कोई भी तुमसे पूछे कि मैटर क्या होता है तो मैटर बताने का सबसे आसान तरीका आपको कोई भी ऐसी चीज मैटर को डिफाइन कैसे किया एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी ने कह दिया कि मैटर कोई भी द्रव्य क्या होता है कोई भी ऐसी चीज पूरे ब्रह्मांड की पूरे यूनिवर्स की कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना द्रव्यमान हो जिसका अपना खुद का द्रव्यमान हो यानी कि मास हो और जो जगह घेरती हो और जो जगह घेरती हो यानी कि जिसका अपना खुद का आयतन हो वॉल्यूम हो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया विच ऑक्यूपाइज स्पेस जो कि जगह घेरे जो कि जगह घेरे उसको क्या कहा जाएगा उसे मैटर कह दिया जाएगा जैसे ये पेन है इस पेन का अपना खुद का द्रव्यमान है कुछ ग्राम का होगा ये दस ग्राम पंद्रह ग्राम का होगा और इसे अगर मैं कहीं पर रख दू तो ये वो जगह भी घेरेगा तो ये पेन क्या हो गया एक मैटर हो गया पानी है ये पानी है इस पानी का अपना खुद का इस बोतल के अंदर जो पानी है इस पानी का अपना खुद का द्रव्यमान भी होगा और देखो इसने इस बोतल के अंदर इतनी जगह भी घेरी हुई है यानी कि ये पानी भी क्या है ये पानी भी एक मैटर है हवा भी एक मैटर है अगर आप उसे गुब्बारे के अंदर भर देते हैं तो आप देखोगे वो गुब्बारे के अंदर जगह भी घेरे हुए पूरा गुब्बारा फूल चुका है और भरे हुए गुब्बारे में और एक खाली गुब्बारे के वजन में भी अंतर होगा यानी कि उसका अपना खुद का द्रव्यमान भी है तो कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना खुद का द्रव्यमान हो और जिसका अपना खुद का आयतन हो उसे क्या कहा जाता है मैटर कहा जाता है इस मैटर का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया गया है इसको सबसे पहले किसी भी मैटर को देखिए किसी भी मैटर को सबसे पहले दो आधारों पे विभाजित किया जा सकता है मैटर को यानी कि पदार्थ को द्रव्य को क्या किया जा सकता है दो आधार पे इसको विभाजित किया जाता है पहला होता है आपका फिजिकली सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर सकते हैं कैसे फिजिकली यानी कि भौतिक आधार पे और दूसरा फिर इसे डिवाइड किया जाता है किस पे केमिकली इसकी डिवीजन की जाती है यानी कि रासायनिक आधार पे कैसे की जाती है रासायनिक आधार पे अब अगर मैं भौतिक आधार पे देखूं तो भौतिक आधार पे इसे पांच ग्रुप में पांच वर्गों में रखा गया है अगर मैं उसकी फिजिकल अपियरेंस अगर मैं उसकी फिजिकल अपियरेंस के हिसाब से देखूं, अगर उसके भौतिक गुणों के आधार पे जाऊं तो मुझे पांच तरीके के मैटर मिलते हैं कौन कौन से होते हैं पांच तरीके के मैटर एक बार आप लोग मुझे बताइए कि फिजिकली कौन कौन से पांच तरीके के मैटर होते हैं एक तो हो गया कौन सा आपका सॉलिड यानी कि ठोस दूसरा क्या है आपका लिक्विड यानी कि द्रव देखो दोनों में अंतर है ध्यान दीजिएगा ये द्रव है और ये द्रव्य है द्रव्य मैटर होता है द्रव लिक्विड होता है ठीक है तीसरा कौन सा हो गया तीसरा हो गया आपका गैस चौथा कौन सा है ये अब डिस्कवर हुआ है प्लाज्मा और यहां से क्वेश्चन भी खूब बन रहे हैं प्लाज्मा और पांचवा कौन सा है आपका पांचवा है बोस बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेट कंडेंसेट ठीक है ये पांच है केमिकली अगर आप देखोगे तो केमिकली फिर हम इन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं केमिकली इन्हें फिर विभाजित किया जा सकता है केमिकली अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला क्या है इसके अंदर सबसे पहले आ जाते हैं इसमें एलिमेंट्स यानी कि तत्व दूसरे आते हैं इसके अंदर क्या कंपाउंड्स, यानी कि यौगिक ठीक है और तीसरे इसके अंदर आ जाते हैं क्या मिक्सचर तीसरा क्या आ जाता है इसके अंदर मिक्सचर यानी कि मिश्रण ठीक है तो एलिमेंट्स जब हम पढ़ेंगे तो एलिमेंट्स के अंदर आपको बताया जाएगा किसके बारे में धातु के बारे में यानी कि मेटल्स जो होते हैं जिन्हें चालक भी कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी विद्युतता के आधार पर इन्हें कहा गया जो अपने अंदर से विद्युत को विद्युत किरणों को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे उन्हें चालक कहा जाता है उन्हें कंडक्टर कहा जाता है दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स अधातु दूसरे कौन से होते हैं आपके अधातु कुचालक नॉन कंडक्टर्स तीसरे हैं फिर आपके क्या अर्ध धातु यानी कि मेटलॉइड्स या फिर सेमी कंडक्टर अर्ध चालक अर्ध चालक ठीक है एलिमेंट्स के अंदर तो आ गई ये उसके बाद क्या है अगर आप कंपाउंड्स देखेंगे तो कंपाउंड्स के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे ये चैप्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसी कंपाउंड के अंदर आप फिर पढ़ेंगे कार्बोनिक कार्बोनिक और अकार्बोनिक यानी कि कार्बोनिक और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो बोला जाता है इन्हें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ठीक है सौर अब अभी बताऊंगी अभी तो मैं बस तुम्हें तो नाम ही बता रही हूँ कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है एक तरीके से इस चैप्टर का सिलेबस देख रहे हैं हम एक तरीके से अभी फिलहाल मैं आपको क्या बता रही हूँ फिलहाल मैं आपको इस चैप्टर का सिलेबस बता रही हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग तो क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं वो बता रही हूँ बस ठीक है कोई मुझे बताएगा मिश्रण कितने तरीके के होते हैं मिश्रण कौन बताएगा कितने तरीके के होते हैं मिश्रण बता दीजिए कितने तरीके के होते हैं दो ही पढ़ने दो 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 ठीक है दो हैं। एक तो है आपका समांग और हेट्रोजिनस तक क्लियर है, ठीक है यहां तक क्लियर है तो अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज इनके गुणों के बारे में इनकी रासायनिक क्रियाओं के बारे में इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में और धीरे धीरे हम टॉपिक क्या करेंगे हम सॉलिड के गुण देखेंगे लिक्विड के गैस के प्लाज्मा के बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के फिर हम देखेंगे ये मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स क्या होते हैं कितने होते हैं इनके रसायनिक गुण क्या हैं, इनके भौतिक गुण क्या हैं, कार्बोनिक और अकार्बोनिक इनकी प्रॉपर्टीज नहीं पड़ेंगे इनके यूज़ेस पढ़ने हैं कार्बन कंपाउंड कहाँ यूज होते हैं ठीक है उसके बाद फिर हम देखेंगे हेड्रोजिनस होमोजिनस मिक्सचर इन्हें पहचानोगे कैसे और इन्हें अलग अगर मिश्रण है तो ये मिक्स हो रखे हैं अब इन्हें अलग करने का भी कोई तरीका होगा इन्हें अलग कैसे किया जा सकता है वो पढ़ेंगे हम इतना समझ में आया कि इस मैटर चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है क्योंकि चीजें पहले ओवरऑल आपको पता होनी चाहिए फिर हम एक एक हिस्से पे जाएंगे फिर हम एक एक हिस्से पे जाएंगे ठीक है चलिए तो सबसे पहले अच्छा चलो कुछ कुछ आज देख लेते हैं आप लोगों को कितना पता है मुझे बताइए होमोजिनस और हेट्रोजिनस होमोजेनस हेट्रोजिनस इसके बारे में क्या जानते हो होमोजेनस क्या होते हैं होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं चलो थोड़ी देर के लिए अब आप लोगों की सारी बात मैंने सुन ली अब मैं बताती हूं देखो कुछ भी नहीं है हेट्रोजिनस विश्व समांग जहां पे भी आपको चीजें बिल्कुल अलग अलग दिख रही हो अलग अलग दिख रही हो बिल्कुल आसानी से देख देख के बता दो वो क्या है वो है होमोजिनस विश्व है अब आप लोगों ने देख लिया होगा आप लोगों ने क्या किया आप लोगों ने अः मिक्स वेज बनाया है सब्जी बनाई है उस मिक्स वेज में आप देखो या फिर आप क्या करो आप फ्रूट चाट ले लो फ्रूट चाट ले लो फ्रूट चाट के अंदर आप देखना आपको केला अलग दिख जाएगा आपको उसके ऊपर पपीता अलग दिख जाएगा सेब अलग दिख जाएगा उसके ऊपर छिड़के हुए अंगूर अलग दिख जाएंगे ये सारे जितने भी हैं ये सारे जितने भी हैं इसको क्या करो इसको आप अलग अलग, अलग देख सकते हो तो फ्रूट चाट आपका किसका एग्जाम्पल हो गया हेट्रोजिनिस का जहां पे भी आपको सारे कॉम्पोनेंट सारे संगठक उसके अलग अलग दिख रहे हो उन्हें क्या कहा जाएगा उन्हें हम कह देते हैं हेट्रोजिनस ठीक है अब उसी फ्रूट चाट को ले जाओ और मिक्सी के अंदर घुमा दो उसे गड़गड़ा दो मिक्सी में घुमा दो अब क्या उसमें से अलग अलग केला सेब संतरा नाशपाती सब निकाल पाओगे अब क्या उसमें से अलग अलग निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे सब एक जैसा दिख रहा है अब तो कोई अलग अलग नहीं दिख रहा है सब समान दिख रहे हैं सब होमो दिख रहे हैं सेम दिख रहे हैं यानी कि वो जो जूस जो प्यूरी बन गई है वो प्यूरी क्या है अब वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गई है है ना अभी आपने क्या आपको सब्जी छोकनी थी आपने प्याज काट के रख ली टमाटर काट के रख लिए मिर्च काट के रख ली सबको खूब मिक्स कर दो सबको खूब मिक्स कर दो मिक्स करने के बाद भी क्या होगा मिक्स करने के बाद भी आपको दिखेगा कि अच्छा ये प्याज है ये टमाटर है ये मिर्च है है ना लेकिन अब उस सबको मिक्स करने के बाद उठाओ मिक्सी के अंदर पीस दो मिक्सी के अंदर पीस दो अभी क्या होगा अब पहले जब वो सब प्याज टमाटर मिर्च अलग अलग दिख रहे थे वो हेक्ट्रो थे वो विषम थे वो अलग अलग थे लेकिन जब आपने उसे मिक्सी में पीस दिया वो होमो हो गए वो सब एक जैसे दिखने लगे अब वो सब क्या हो गए होमो एक जैसे दिखने लगे तो सबसे आसान तरीका क्या जब उसको आप किसी भी विलयन में कन्वर्ट कर दोगे ना एक पेस्ट बना दोगे एक सॉल्यूशन मिला दोगे अब आप देखना वो प्याज टमाटर ऐसे ही नहीं पिस जाएंगे थोड़ा सा हमें उसमें पानी डालना पड़ता है लड़कियों को इसके बारे में ज्यादा पता होगा जब मुझे ये मसाला पीसना होता है तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा पानी डालते हैं और फिर मिक्सी में घुमा देते हैं थोड़ा सा पानी डालते हैं और मिक्सी में घुमा देते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है जब भी आपको हाइड्रोजीनस को होमोजिनस में कन्वर्ट करना है क्या करो इसमें वॉटर मिला दो इसको एक विलेन बना दो आपने क्या किया एक कटोरी के अंदर दाल ले ली ठीक है लाल वाली दाल भी ले लो पीली भी ले लो अरहर ले लो मसूर ले लो सारी दाल ले लो खूब कटोरी के अंदर मिक्स कर लो लेकिन फिर भी क्या होगा पहचान जाओगे लेकिन पानी मिला के सीटी लगा दो पानी मिला के सीटी लगा दो तो क्या होगा पानी मिला के सीटी लगाते ही वो क्या होगी वो फिर मिक्स हो जाएगी अब बता दो जी कौन सी अरहर है कौन सी मसूर है नहीं बता पाओगे तो क्या करना है उसको अंदर पानी डाल देना है उसका विलियन बना देना है अब उसको अब क्या करेंगे होमोजिनस बन गया अब बात ये आती है कि जब तक ये सारी चीजें अलग थी मैं इन्हें अलग अलग प्याज छांट सकती थी टमाटर छांट सकती थी लेकिन अब जब ये पेस्ट बन गया ये मसाले का पेस्ट बन गया अब अगर मेरे को इसमें से प्याज टमाटर अलग करना है तो मैं कैसे करूंगी इस बात का जवाब देने के लिए ये क्लास बनी है इसी बात का जवाब देने के लिए क्लास बनी है तो इसके अंदर जब हम मैटर चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहां पे हमें क्या पढ़ना है यहां पे हम स्टार्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो हो गया ये देखिए सॉलिड लिक्विड गैस तो आप यहां पे देख सकते हैं पांच अवस्था होती है ठोस द्रव्य और गैस और दो और नई स्टेट दो और अवस्थाएं हमें पता चली है कौन सी प्लाज्मा बोस आइंस्टीन सगन यानी कि बोन बोस आइंस्टीन कंडेंसिव, ठीक है अब मुझे ये बताओ तुम्हारे पास पीडीएफ सबको मिल रही है चैट बॉक्स में ऊपर पिन कर रखी है इसकी पीडीएफ है सबके पास इसकी पीडीएफ है मिल गई सबको जिसको नहीं मिली वो बता दो नो गुड्डी खुशबू जहां तुम तो मैसेज लिख रही हो ना वही सबसे ऊपर देखो पीडीएफ है वहां पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है देखो एक बार गुड्डी खुशबू देखो मिल गया अब बता दो येस और नो एटम वाली मुमताज एटम वाली भी यहीं पे है ऊपर ही है मोहम्मद मोहसिन ऊपर एटम की है हैंड रिटन नुसरत ऊपर देखो जहां लिख रहे हो जहां पे टाइप कर रहे हो जहां लिख रहे हो वहीं सबसे ऊपर है हाँ सॉलिड लिक्विड में भी होता है अरे एक बार में कोई भी एक चीज नेहा बता तो रही हूं हैंडरिटन सबसे ऊपर है हैंड रिटन नोट सबसे ऊपर दिए हुए हैंड रिटन किसी को भी नहीं मिल रहे हैं क्या कल वाला भी मुमताज पिन कर दिया है कल वाला भी पिन कर दिया है चलिए आज के क्लास में तो तुमने पढ़ाने लायक छोड़ा ही नहीं देखो तुमसे पूछ मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि अगर तुम लोग कहोगे एक बार घर पे रीड करके देखना अगर आप लोग कहेंगे तो ये जितने भी है ना आप लोगों के ये देखो मैटर तीन स्टेट में है ना ये सबसे पहले सॉलिड है ये सब आप लोगों ने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है ये सब आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज दी है कि इनका डेफिनेट मास वॉल्यूम और शेप होता है यानी कि इनका एक निश्चित द्रव्यमान आयतन और इनकी आकृति होगी इनमें जो इंटरमोलिक्युलर स्पेस है ये क्या होता है ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से इनके बीच में बनने वाला फोर्स कैसा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यानि की अंतरणविक स्थान जो है वो बहुत कम है जिसकी वजह से इनके बीच में जो अंतर आणविक बल लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा क्या है बहुत ही ज्यादा प्रबल है ठीक है तो इन्हें एक बार आप लोग रिवाइज करके आना क्योंकि इसे फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी कवर करूंगी ठीक है इसे मैं बहुत जल्दी जल्दी कवर करूंगी क्योंकि ये सब छोटी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है फिर उसके बाद ये लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज हैं ये लिक्विड की सारी प्रॉपर्टीज है कल जो डिस्कस होगा वो होगा ये प्लाज्मा प्लाज्मा और बोसाइंसिन कंडेंसेट इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे थोड़ा सा अपने टाइम को बचाने की कोशिश कर लो ठीक है थोड़ा सा अपने टाइम को बचाने की कोशिश करो इसे सबको पढ़ के आओ बाकी जितना भी है फिर बाकी इनका संगलन इनका फ्यूजन इनकी मेल्टिंग पॉइंट इनका अपवर्तन यानी कि इनका सब्लिमेशन वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट कंडेंसेशन ये सब मैं करवाऊंगी ये जो पानी वानी आप देखते हो ये लेटेंट हीट जो है गुप्त ऊष्मा इनके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है टेम्परेचर बदलने से क्या होता है उसके बारे में डेली लाइफ में ये कहाँ काम आती है ये सारी चीजें इनके बारे में हम करेंगे ठीक है गेरे मिक्सचर टाइप ऑफ मिक्सचर फिर इन्हें कैसे कैसे अलग कर सकते हो काफी बड़ा चैप्टर है ये ठीक है ये हम कल की क्लास में करेंगे ठीक है हाँ वन आवर की क्लास कर रही हूँ क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को वन आवर के बाद फिर दिक्कत होने लगती है ठीक है वन आवर की ही क्लास करेंगे वे यूट्यूब पे छह बजे शाम को छह बजे मैम आपने कहा कि सबसे इलेवन ट्वेल्थ का पार्ट होता है हाँ, तो और क्या बट मैम पीआरटी के लिए तो लेवल बारह ही होगा छह बजे अगर सीएस की क्लास देख रहे हो तो उसे रिकॉर्डेड देख लेना उसे सात बजे देख लेना आठ बजे देख लेना वो तो रिकॉर्ड होके सेव हो जाएगी ठीक है रिकॉर्ड होके सेव हो जाएगी चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं कल की क्लास में मिलेंगे कल तो छुट्टी है ठीक है संडे को मैराथन भी है बारह से चार संडे को यूट्यूब पे मेरी क्लास होगी बारह से चार बजे तक तो आप वो क्लास भी कर सकते हैं ठीक है वहां वहां पे होंगे, वहाँ पे होंगे सारे क्वेश्चन ही होंगे ठीक है चलिए क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे ऑल द वेरी वेरी बेस्ट डू योर बेस्ट वर्क हार्ड अब एग्जाम बहुत ही पास है वो समय है कि तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है ठीक है चलिए धन्यवाद बने रहिए जुड़े रहिए